उत्तर प्रदेश वन संरक्षक की टीम व ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारियों ने सोमवार को वन विभाग के अधिकारियों के साथ नंदन वन स्थित वन का बारीकी से निरीक्षण कर जल्द से जल्द वन को सौंदर्य रूप देने की बात कही। इस दौरान वन प्रमुख संरक्षक पवन कुमार ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वन सिर्फ वन ही नहीं बल्कि हमको स्वास्थ्य एवं सुखद वातावरण देने वाला एकमात्र साधन है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से लोग प्रदूषण के कारण बीमारियों से घिरे हुए हैं, उनका मुख्य कारण सिर्फ वनों का नष्ट होना है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने आसपास के क्षेत्रों में होने वाले वनों के कटान पर रोक लगा दें, तो काफी हद तक हमें शुद्ध वातावरण मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा वनों के संरक्षण व रखरखाव के सवाल पर कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा गोवर्धन पर्वत व वृंदावन के वन चेतना केंद्र व नंदनवन में स्थापित वृक्षों को सुचारू रूप से पानी देने की योजना तैयार की जा रही है, जिससे यहां के प्राचीन वनों व वृक्षों को जीवंत रखा जा सके। इसके अलावा उन्होंने बंदरों की समस्या व मोरों की चिकित्सीय सुविधा देने के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान तीर्थ ब्रज विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजा कांत मिश्र, डीआईएम अरविंद कुमार, ओम प्रकाश शर्मा, वन संरक्षक जावेद अख्तर, विवास रंजन, एस के भरतिया आदि के अलावा वन विभाग कर्मी मौजूद रहे। योजना बताने के पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि जब हम बात करते हैं वन एवं वन्य जीव की, तो केवल वो जंगल नहीं है, पौधा नहीं है, बल्कि यही वन और वन्य जीव हमें शुद्ध हवा दे रहा है, शुद्ध पानी दे रहा है, हमारे लिए मेडिसिन दे रहा है, पूरे हमारे जीवन के सृष्टि का यह मूल मंत्र है। अतः जब भी हम बात करें वन और वन्य जीव की, तो हम अपने पूरे जो लाइफ स्टाइल सिस्टम है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, उसको बचाने की बात करें। अर्थात पेड़ को बचाएं तो हमें शुद्ध वायु मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा। अब इस परिप्रेक्ष्य में जो आज हम लोग आए हैं, उसमें दो मुख्य बातें हैं। एक वो बात है कि जब हम बात करते हैं गोवर्धन पर्वत की, उसकी परिक्रमा के आसपास हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो पहले से पेड़ हैं, जो वहाँ पर्वत पर हैं, उनको हम कैसे वहाँ का पानी उसी पर्वत पर रह जाए बारिश का, ताकि जो वहाँ पर ऑलरेडी पौधे हैं उसका हम उपचार करके, उसका कल्चर करके, उसके चारों ओर हम जो मिट्टी है, जो पानी है, उसको वहाँ संधारण करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि पर्वत का पानी पर्वत में रहे और वहाँ की मिट्टी वहीं रहे और वही मिट्टी वहाँ के जो पौधे हैं उसको बचाने में सहूलियत दे, ताकि आने वाले वर्षों में वो पूरा पर्वत हरा भरा हो, जो परिक्रमा करने के लिए आते हैं उससे उसका पर्यावरण सुरक्षित हो, उनके बारे में उनको श्रद्धा हो और फिर भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो। वृंदावन वन चेतना केंद्र और इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? ये जो दोनों हमारा क्षेत्र जो भी हम लोगों ने देखा है, ये बहुत साल पहले मैंने देखा था और मुझे देख के अच्छा लगा कि यहाँ के जो वृक्ष उस समय लगे थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, और आप महसूस कर रहे हैं कि इस वृक्ष के आने से कई ऐसी प्रजातियाँ जो जिसका रूट स्टॉक इस ज़मीन में था, वो संरक्षण और संवर्धन के चलते अपने आप आगे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। अब इसमें जो भी वार्ता हुई है कि यहाँ पर हम पानी लाएँ, मॉइस्चर कंटेंट यहाँ बढ़ाएँ, ताकि और भी प्रजातियाँ आ सके, और जो हमारा ब्रज विकास परिषद है वो इसमें चाह रहा है कि चूंकि यह शहर का एक लंग्स है, तो इसको कैसे विकसित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लाभ, जो भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, वो पर्यावरण के साथ साथ जुड़े, ताकि हमारा सर्वांगीण मोरों की कब तक मतलब प्लानिंग है? वन चेतना में मोर रखने की प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग है कि जो भी मोर बाहर स्वच्छंद रूप से घूमते हैं, अगर वो किसी कारण घायल हो गए, उनको कोई परेशानी हो गई, तो उस चेतना केंद्र में उन्हें हम लाएंगे, उनका उपचार करेंगे और फिर उसको प्राकृतिक वास में छोड़ देंगे। एक सर ब्रजमंडल में सबसे बड़ी समस्या बंदरों की है, उसके बारे में आप लोगों ने कोई प्लानिंग तैयार की है? बंदर के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो हमारी बंदरों के प्रति श्रद्धा है, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या बंदर का वास यही है। अगर आप बंदर के प्राकृतिक वास को समझने की कोशिश करेंगे कि बंदर का प्राकृतिक वास जंगल है, तो इस जंगल में हमको बंदर को रखने के लिए पूरे जनसहभागिता की आवश्यकता है। हम उसको यत्र तत्र न खिलाएं, नहीं
का जो खाने का स्थान है उसको हम इस प्रकार निर्धारित करें कि वो अपने प्राकृतिक वास में रहें, ताकि जिससे बंदरों का जो हमारे ऊपर जो कभी कभी नुकसान हो जाता है, कभी कभी वो खाना पीना इधर उधर हो जाता है, तो भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भगवान ने जो वन और वन जीव बनाया है वो कैसे अपने हैबिटेट में रहें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बंदर है उनको प्राकृतिक वास में लाने के लिए हमें इस तरह का जो भी आप यहाँ खड़े हैं इस तरह का प्राकृतिक वास डेवलप करें, उसमें फलदार प्रजाति लगाएं ताकि बंदर वहाँ पर आगे बढ़ना। इस वाले प्रोजेक्ट है 120 एकड़ का आपका, इसको बाहर के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कुछ बना रहे हैं, जा रहे हैं क्या? जो हमारे वन हैं वो बाहर के श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खुले हुए हैं, वो आके शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण का आनंद लें, देखें और इसका प्रचार प्रसार करें। जहाँ वो वापस आए वहाँ भी इस चीज़ को लागू करने की कोशिश करें। धन्यवाद। वन चित्ता में मोर रखने की प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग है कि जो भी मोर बाहर स्वच्छंद रूप से घूमते हैं, अगर वो किसी कारण घायल हो गए, उनको कोई परेशानी हो गई, तो उस चेतना केंद्र में उन्हें हम लाएंगे, उनका उपचार करेंगे और फिर उसको प्राकृतिक वास में छोड़ एक सर ब्रजमंडल में सबसे बड़ी समस्या बंदरों की है, उसके बारे में आप लोगों ने कोई प्लानिंग तैयार की है? बंदर के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो हमारे बंदरों के प्रति श्रद्धा है, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या बंदर का वास यही है। अगर आप बंदर के प्राकृतिक वास को समझने की कोशिश करेंगे कि बंदर का प्राकृतिक वास जंगल है, तो इस जंगल में हमको बंदर को रखने के लिए पूरे जनसहभागिता की आवश्यकता है। हम उसको यत्र तत्र न खिलाएं, नहीं खाना दें, उनका जो खाने का स्थान है उसको हम इस प्रकार निर्धारित करें कि वो अपने प्राकृतिक वास में रहें, ताकि जिससे बंदरों का जो हमारे ऊपर जो कभी कभी नुकसान हो जाता है, कभी कभी वो खाना पीना इधर उधर हो जाता है, तो भगवान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि भगवान ने जो वन और वन जीव बनाया है वो कैसे अपने हैबिटेट में रहें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बंदर है उनको प्राकृतिक वास में लाने के लिए हमें इस तरह का जो भी आप यहाँ खड़े हैं इस तरह का प्राकृतिक वास डेवलप करें, उसमें फलदार प्रजाति लगाएँ ताकि बंदर वहाँ पर आगे बढ़ना।